तो हे गाइस, शिनचैन की और नई मूवी सोनी पर आने वाली है अगले वीक में। आपको पता ही होगा कि शिनचैन की न्यू मूवी कुंफू बॉयज आने वाली है 22 जून सैटरडे को। ये मूवी के बाद दो ऐसी मूवी है जो कि अगले वीकेंड देखने को मिल सकती है। गाइस कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, इनके आने के चांसेस इतना ज्यादा हाई हो चुकी है कि अब लगता है कि यही दो मूवी आने वाली है। तो देखो, अगर अगली मूवी कोई आ सकती है सोनी पर, तो वो मूवी यही दोनों में से कोई एक होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि वो दोनों कौन सी मूवी है शिनचैन की, जो कि अगले वीकेंड में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, तुम लोगों को याद होना चाहिए कि मैं तुम लोगों को इस मंथ आने वाली शिनचैन का अपकमिंग मूवी का शेड्यूल वाला लिस्ट दिखाया था। वो बिल्कुल राइट तो नहीं, बट ये दोनों मूवी का उसमें बात किया गया है। तो देखो, 22 जून सैटरडे को आ रही है कुंफू बॉयज। ऐसा चांस है कि संडे को, यानी कि अगले ही, ऐसा चांस है कि सैटरडे के बाद संडे को ही एक और नई मूवी आने वाली है, जिसका नाम होगा हनीमून हरिकेम द लॉस्ट हिरोशी। इस वाले मूवी का हाइप काफी ज्यादा है। अगले संडे को हो सकता है कि इसी मूवी को दिखाया जाए। लेकिन गाइस, सबसे ज्यादा जिस मूवी का चांस है अगले संडे या फिर अगले सैटरडे को जो मूवी आएगी, उस मूवी का नाम है शिनचैन द मूवी द फ्लावर ऑफ तंकाजू एकेडमी। गाइस, इस मूवी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। शायद से इस मूवी में शिनचैन 6 साल का होने वाला है, तो इस मूवी को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखो, ये मूवी का आने का चांस इसलिए है क्योंकि बहुत दिनों से इस मूवी का आने का बातें चल रही है, तो इस मूवी का आने का चांस काफी ज्यादा बना हुआ है। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, बट चांस सबसे अधिक है। तो देखो यार, ये दोनों मूवी के अलावा भी एक और ऐसी मूवी है जिसका आने का काफी ज्यादा चांस है। बात करें उस मूवी का, तो वो मूवी का नाम है शिनचैन द मूवी एलियन सीरीज 3। ये मूवी का आने का काफी ज्यादा चांस बढ़ा हुआ है क्योंकि ये मूवी जापान में लेटेस्ट रिलीज किया गया है, मतलब 2019 या 2020 में ये रिलीज हुआ होगा। ये मूवी अभी तक काफी ज्यादा न्यू है, इसलिए इस मूवी का आने का भी चांस काफी ज्यादा बना हुआ है। एलियन सीरीज 3 मूवी का स्टोरी भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। पूरा मूवी में आपको एलियन का एडवेंचर दिखाया जाएगा। तो ये मूवी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है, संडे या फिर अगले वीकेंड में देखने को मिल सकता है। एंड नंबर 1 पर जो मूवी है जिसका सबसे ज्यादा चांस है, वो मूवी है शिनचैन द लॉस्ट हिरोशी। ये मूवी भी जापान में पहले ही रिलीज हो चुकी है। शायद से इंडिया में ये मूवी अगले संडे को ही दिखाया जाएगा। तो यार, इस मूवी का भी काफी ज्यादा चांस है आने का। तो देखते हैं कि ये मूवी अगले संडे को आती है या नहीं, या फिर कौन सी मूवी आएगी अगले संडे को, वो भी देख ही लेंगे। तो गाइस, ये तीनों मूवी का चांस काफी ज्यादा है। अब देखते हैं कि ये तीनों मूवी में से कौन सी मूवी आती है, और हाँ, अगर मूवी आती है तो यही तीनों में से कोई भी आएगी। सो यार, देखते हैं कि कौन सी मूवी आती है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं कि कौन सी मूवी कब आती है। एंड गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अगर तुम लोगों में से कोई किसी को भी इन्फॉर्मेशन मिलता है कि शिनचैन की मूवी कब आएगी या मूवी से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।